अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम गमीन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप ठीक हो? बस बढ़िया ठीक ठाक। कैसे आए आज? आज मैं यहाँ आपके घर के सामने से गुजर रहा था, सोचा आपको सलाम वगैरह कर लेते हैं। और ठीक ठाक से हैं आप? बैठो बैठो बैठो, घर में ठीक है सब? सब ठीक है, बच्चे ठीक है, बस खैरियत। आप सब खैरियत हैं? ठीक है, ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं आजकल? बस बैठे हैं, आज आज क्या काम ही नहीं है कुछ। चलो चाय बनाते हैं आपके लिए। अच्छा अच्छा, गंभीर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? आपने इसको काफी टाइम पहले ऑन कर दिया, पूरे कमरे में गैस फैल गई है, तो आप अब इसको ऑन कर रहे हैं? शुक्र है हाशिम भाई, आप हाथ वगैरह जल सकते हैं। शुक्र है हाशिम भाई आप आए, नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में। नया नया गैस निकाला है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, प्रधानमंत्री स्कीम में है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ये असल में आपने पहले बड़ा जल्दी ऑन कर दिया, इससे आपके पूरे कमरे में गैस फैल गई। फिर जब आप माचिस जलाओगे पूरे कमरे में गैस फैली होगी, तो उससे आग लगने का खतरा होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस माचिस को ढूंढना है, ढूंढने के बाद इसको जलाना है, जलाने के बाद फिर ऑन करना है। हाँ, इसलिए आप सेफ रहोगे, आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर आप इसकी केयर नहीं करोगे तो ये आपके लिए काफी नुकसानदेह है। ठीक है हाशिम, हाँ तो आज के बाद आप बैठे, मुझे कोई बुला रहा है, मैं इसको जला दूं। आप बैठे थोड़ा, मैं जरा जाऊंगा बाहर, कोई बुला रहा है मुझे। जल्दी जनाब, ठीक है जामे। कैसे कर रहे हैं? ठीक है, सकत है। इतने आए इस बच्चा कर रहा है? अच्छा, वो ऐसे बाजार दो बाजार रहे हैं, तो आए तो नहीं मिल के। अच्छा अच्छा, यहां पर मैं जो पोस्ट भी देता है। अच्छा अच्छा, चाय फिर मैं खा। अच्छा अच्छा, हम इसके तरह। अच्छा अच्छा, देखो फिर आपने एक गलती की, जब आपने जब आप खाना बना रहे हैं ना, खाना खाना बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना है। जब आप खाना बना रहे हैं, इस चूल्हे को छोड़ के आपने कहीं नहीं जाना है। अच्छा, जब तक आपका खाना तैयार ना हो जाए आपने यहाँ से बाहर नहीं जाना है। इससे पता आपको क्या नुकसान होता है? क्या होता है? जब आपने इस पे चाय वगैरह रखी हुई है, आप इसको जला के बाहर किसी से मिलने चले गए, मिलने चले गए, तब तक ये चाय आपकी उबल सकती थी। अगर ये चाय उबल के इसके ऊपर गिर जाती, किचन में कोई ना होता, तो ये बुझ जाता आपका गैस। ये यहाँ से बुझ तो जाता, लेकिन जो गैस की सप्लाई है आपकी वहाँ से पाइप से, वो बंद नहीं होती है, पूरे कमरे में गैस फैल जाती है। फिर सबसे पहले आप अचानक आते हो कमरे में, देखते हो कि गैस बुझी हुई है, आप सबसे पहले पता है क्या काम करोगे? माचिस जलाओगे। और माचिस जलाने से पूरे कमरे में आग लगी हो सकती है, इसे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आज के बाद आप जब खाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, कुछ भी, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। सबसे पहले खाना गैस लाई है, हमें पता नहीं था इस बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे पहले सबसे ठीक है ठीक है, आपने बड़ी जानकारी दी इस बारे में। सबसे पहले खाना तैयार हो गया, फिर बाहर जाओ। चीजों से खतरा है ज्यादा? आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, फिर ये गैस आपके लिए सेफ है। देखो इसकी कभी लीकेज वगैरह अगर होती है, तो आपके कमरे के जो बारी खिड़की है, दरवाजे, बारी खिड़की खुली रखनी है आपने, जिससे गैस अगर कमरे में लीक हो भी जाती है तो वो बाहर चली जाती है, ताजा हवा कमरे में आती जाती रहती है। बंद कमरे में इसको नहीं रखना है। हाँ ठीक है हाशिम भाई। और जैसे ही आपको पता चले कि कमरे में हमारे गैस लीक है, तो आपने आके किसी बटन को ऑन ऑफ नहीं करना है, बिजली के बटन को, उससे भी आपको खतरा हो सकता है। ठीक है? और जब आप शाम को सो जाओ, उस समय आपने पता है क्या करना है? ये आपका रेगुलेटर है, रेगुलेटर, इसको रेगुलेटर कहते हैं। ये चूल्हा तो बंद करना ही है, आपने इसको भी यहाँ से बंद कर देना है, फिर शाम को सोना है। कहीं छुट्टियां वगैरह अगर आप जा रहे हो बाहर, तो गैस को अच्छी तरह से बंद करके जाना है। ठीक है हाशिम भाई, अगर आप इसकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, वरना ये बहुत खतरनाक भी है। अगर ये इसका निप्पल बंद हो जाएगा फिर क्या करना है?
इसका ये बंद हो जाएगा जिससे ये गैस सप्लाई जा रही है। हाँ बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अगर ये कहीं खराब हो जाए या ये बंद वगैरह हो जाए तो कई लोग क्या करते हैं, पेचकश वगैरह उठा के इसको ठीक करना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर क्या करना है? आपने सबसे पहले ये गैस कनेक्शन जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से आपने लिया है उनको कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है? या मार्केट जाके किसी जानकार वगैरह आदमी से जो इसका काम जानता हो उससे अपना चूल्हा वगैरह ठीक करना है अगर इसकी कहीं सप्लाई वगैरह बंद हो जाए तो। ठीक है, ठीक है। जैसे आप इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद ऐसे आप जलाएंगे तो कभी आपके अगर यहाँ पे लीकेज है, यहाँ पे सिलेंडर की वाशल में प्रॉब्लम है या कुछ है, यहाँ पे इतने दूर तक भी आग पकड़ सकता है। ऐसी सूरत में क्या करते हैं लोग, सबसे पहले कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आग पकड़ रहा है, पाइप को निकाल देते हैं यहाँ से सिलेंडर को बाहर फेंकने के लिए। ऐसी सूरत में ये बहुत खतरनाक है, यहाँ से इसमें काफ़ी सारी गैस की सप्लाई होती है जिससे कमरे में आग लगने का खतरा होता है। अगर आपके सिलेंडर में कभी आग लग भी जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी कॉटन के कपड़े को जल्दी जल्दी से भिगा लेंगे और पूरे सिलेंडर को ऐसे कवर करेंगे, ऐसे इसको कवर करेंगे, आग एकदम बुझ जाएगी, पूरा सिलेंडर कवर हो जाएगा। उसके बाद में आग बुझाने के तुरंत बाद इसको बंद कर देना है यहाँ से। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जब भी कभी आपके सिलेंडर में कहीं आग पकड़ ले तो ऐसी सूरत में आप कॉटन का कोई कपड़ा पानी में जल्दी जल्दी डालने के बाद ऐसे ये अपने से थोड़ा सा दूर रखने के बाद ऐसे ऐसे कवर करेंगे इसको। जब ये कवर हो जाएगा तो इसकी आग बुझ जाएगी। आग बुझने के बाद ऐसे तुरंत आप इसका रेगुलेटर बंद कर देंगे और उससे पहले सबसे पहले आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे, अपने गैस एजेंसी से कॉन्टैक्ट करेंगे। गैस एजेंसी पे कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे मैं बता दूं, आप सबके पास एक गैस की रेड बुक है, जिसके पास भी गैस का कनेक्शन है उसके पास एक गैस की ऐसी कॉपी बनी हुई है। उस कॉपी के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फोन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब थोड़ा सा नीचे देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे फोन नंबर दिखेगा आपको, फोन नंबर इस पे क्या है 233-495, तुरंत इस नंबर पे फोन करेंगे। फोन करने के बाद ऐसी सूरत में आपको यहाँ से मैकेनिक अटेंड करने आ जाएगा। तो इसमें हमारा एक इमरजेंसी सर्विस सेल भी है जिसमें आप कभी भी फोन कर सकते हैं, कभी भी आपको इमरजेंसी हो जाए, लीकेज की प्रॉब्लम है कोई भी है तो ऐसी सूरत में आप इमरजेंसी सर्विस सेल में कॉन्टेक्ट करेंगे। उसके मैं आपको मोबाइल नंबर वगैरह बता दूं, ये हमारा इमरजेंसी सर्विस सेल है, जो आपकी रेड बुक पे नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ भी है 0996-233-495, उसके बाद 9858-697757। इसके बाद एक और नंबर आगे आप देख रहे हैं 9906335344। इन नंबर पे आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने इमरजेंसी टाइम में, ठीक है? कभी लीकेज वगैरह हो जाए, कुछ भी हो जाए तो ऐसे टाइम में अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करें। जैसे आपको अभी हसन जी ने बता दिया कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जो गैस आपका है इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ये सिलेंडर है इसको और इसका फैसला जो रहना चाहिए, कम से कम जो इसकी 1.5 मीटर की पाइप लगी होती है इतना दूर पे रखना है आपने। ये मैं आपको दिखा दूं, ये कम से कम 1.5 मीटर ये लंबी पाइप है, ये दूर रहना चाहिए इतना सा। और उसके बाद आपको जो पाइप लगा रहे हैं ये आपकी सुरक्षा पाइप ही होनी चाहिए, इसको ना चूहे काट सकते हैं, अगर आग भी लगे इसको आग लगने के बाद लगभग 2-3 घंटे ये इसको जलने में लगेंगे, कम से कम 3 घंटे, क्योंकि इसके अंदर स्टील वायर लगी होती है और फायर प्रूफ होती है पाइप। अगर जल भी गई तो उतनी जलेगी नहीं, लेकिन टाइम लगेगा इसमें जलने में। उसके बाद जब आप सिलेंडर रखेंगे अपने घर में, आप उसको छुपा के रखते हैं कहीं कोने में, इस सिलेंडर को आप कहीं कोने में छुपा के रखते हैं, छुपा के नहीं रखना, इसको कहीं खुला रखना है जहां से इसको हवा भी चले, अगर कहीं लीक भी हो थोड़ा सा, ताकि वो आपकी गैस निकल जाए बाहर। और उसके बाद अगर कहीं आग लगे, खुदा ना करे अगर कहीं आग लगे, तो आप इसको आराम से हटा भी सकते हो, सिलेंडर को बाहर निकाल भी सकते हो। तो इसलिए आप घर में ज्यादातर यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, 2-2, 4-4 सिलेंडर आपने स्टोर करके रखते हैं घर में, अपने किचन में 4-4 सिलेंडर भर के रखते हैं कि गैस की शॉर्टेज की वजह से, लेकिन गैस यहाँ पे शॉर्टेज है नहीं। सब ये निकाल दें अपने दिमाग से कि गैस की शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज कुछ भी नहीं है। और आप अपना सिलेंडर घर में कम से कम 2 सिलेंडर रखें ज्यादा से ज्यादा, एक भरा हुआ और जो आप एक लगा हुआ हो, 2 से ज्यादा सिलेंडर स्टोर ना रखें, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर कहीं आग लगे तो आप उन 10 को बचाएंगे या 1 को बुझाएंगे। इसलिए एक ही सिलेंडर आप रखें घर में, जो एक दूसरा एडिशनल सिलेंडर होता है वही रखें।
उसके बाद रहा आपको इस्तेमाल करने का तरीका, वो तो आपको हाशिम जी ने बता ही दिया कि इसको आन सबसे पहले यहाँ से आन करके उसके बाद आपने माचिस ढूंढ के रखनी है या लाइटर आपके पास हो, लाइटर वैसे लाइटर का ही इस्तेमाल करें क्योंकि इसका जो ये फैसला होता है लगभग 1 फुट का होता है। माचिस आप नजदीक लेके आपके हाथ भी जल सकते हैं, इसलिए आप लाइटर लेके इसको हाथ पकड़ के इसको ऑन करें उसके बाद इसको जलाएं। तो उसके बाद जब आपका ये जल गया अपना खाना बना के तैयार करके उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। तब तक आपने यहीं पर रहना है, इसमें आपको जहां पे इस्तेमाल करना है वहां पे क्या कहते हैं हवा उतनी तेज नहीं होनी चाहिए जिससे आपका ये बुझ जाए। तो आपको लग रहा है कि गैस चल रही है जब हमारा खाना पक रहा है, लेकिन वो खाना नहीं, वो बुझ गई होगी, तो उस कारण भी आपके पूरे कमरे में गैस फैली होगी। उसके बाद आप जब दोबारा जलाएंगे तो पूरे कमरे को आग लग सकती है, इसलिए आप जब भी खाना बनाएंगे तो वहीं पे बैठ के उसको अच्छी तरह से देख के खाना बना के उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कहीं हॉलीडेज पे जा रहे हो, जैसे आपको 3-4 दिन की कहीं छुट्टी मिल गई, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपने अपने किचन में इसको अच्छी तरह से बंद करके इसको अगर आपने निकाल के रखना है, ये रेगुलेटर आपका लगा होता है, ये इसको निकाल के इसकी सेफ्टी कैप होती है, ये आपको निकालूं, ये सेफ्टी कैप होती है, ये आपने इस पर लगा देनी है, इसको अच्छी तरह बंद करके ये लग गया आपका, इसमें ये सिलेंडर लीक नहीं हो सकता है। ये आप उठा लें, ये इसको जबरदस्ती ये पकड़ के रख सकता है। उसके बाद जब आप इसे खोलना है, इसको पहले खोल के जब आप नया सिलेंडर लाएंगे, जब इस्तेमाल करेंगे उसको, उसको पहले चेक करना आपने कि ये लीक तो नहीं है कहीं सिलेंडर। आप ये लगा के इसका अच्छी तरह देखें, इसका साबुन का जाग बना के थोड़ा सा किसी कटोरे में किसी में पानी लेके इसमें लगा दें, आप साबुन का जाग लगा के देखें, अगर ये लीक है तो आप एजेंसी वालों को वापस दे दें या उनको बताएं, आपको ठीक करके दे देंगे। इसके अंदर एक वाशर लगी होती है, हो सकता है कभी वो वाशर कट गई हो, इसके अंदर एक छोटी सी वाशर होती है, उस कारण का आपका सिलेंडर लीक हो सकता है। जब आपने लगाया तो रेगुलेटर, आप कहेंगे रेगुलेटर खराब है, लेकिन रेगुलेटर खराब नहीं होता, वो वाशर खराब होती है, वो कटी होती है, वो प्लास्टिक की वाशर, ये रबड़ की वाशर होती है, वो कट अगर गई हो तो वहां से आपका सिलेंडर लीक कर सकता है। इसलिए आप इसको जब भी आपने नया सिलेंडर लेना है उसको चेक करें, उसके बाद चेक करने के बाद उसको जब लगाएंगे आप, तो आप अच्छी तरह देखें कहीं स्मेल तो नहीं आ रही है इसकी गैस की, अगर स्मेल आ रही है तो आप इसको निकाल के वापस रख दें, इसकी सेफ्टी कैप जो ये है ये लगा दें आप। सेफ्टी कैप लगाने के बाद गैस लीक नहीं होगी। उसके बाद आप अपने एजेंसी वालों से, जो भी आपका डिलीवरी बॉय हो, एजेंसी वाला कोई हो जिसका कॉन्टेक्ट आपके पास है, उनको बुला के वो आपको फिर से चेक करके दे देंगे। शुक्रिया।